बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। एक फ्लाइट पर पास बैठी बेहिजाब लड़की से एक शख्स बोला, आइए क्यों ना कुछ बातचीत कर ले, सुना है इस तरह सफर बआसानी कट जाता है। लड़की ने किताब से नजरें उठाकर इसकी तरफ देखा और कहा, जरूर, मगर आप किस मौजू पर बात करना चाहेंगे? शख्स ने कहा, हम बात कर सकते हैं कि इस्लाम औरत को पर्दे में क्यों कैद रखता है, या इस्लाम औरत को मर्द के जितना वारसत विरासत का हकदार क्यों नहीं मानता। लड़की ने दिलचस्पी से कहा, जरूर, लेकिन आप पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। शख्स ने पूछा, क्या? लड़की ने कहा, गाय घोड़ा और बकरी एक सा चारा यानी घास खाते हैं, लेकिन गाय गोबर करती है, घोड़ा लित करता है और बकरी मिनगिनी करती है, इसकी वजह क्या है? वो शख्स इस सवाल से चकरा गया और किसी आकार बोला, मुझे इसका पता नहीं है। इस पर लड़की बोली, क्या आप समझते हैं कि अफदा के बनाए कानून पर्दा विरासत और हलाल व हराम पर बात के अहल है? खबरदार, जबकि खबर आपको जानवरों की गिलाजत कभी नहीं। ये कहकर लड़के अपनी किताब की तरफ मुतवज्जे हो गए। यह हमारे मुआशरे की मिसाल, इल्म होता नहीं है लेकिन बहस करना अपना अवलीन फरीजा समझते हैं। दोस्तों से गुजारिश है कि जिस बात में आपकी बोलना ज़रूरी होता है उसमें बोलो ज़रूर, लेकिन अगर बोलना ज़रूरी नहीं है तो खामोश बैठा रहे।